मैं आज आप सभी को ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहा हूं जो कि जिनका नाम है प्यारेलाल साखिया, जो कि श्रीमती पुष्पा देवी जी इनकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं वार्ड नंबर 22 से पंजाब नेशनल बैंक के सामने राजगढ़ बिजौली में रहा करते हैं। डायरेक्ट रूबरू होंगे श्री प्यारेलाल साखिया जी से। प्यारेलाल साखिया जी, आप 22 नंबर वार्ड से खड़े होने जा रहे हो, आपने कभी इससे पहले वार्ड के अंदर कोई समाज सेवी के रूप में काम किया है? बिल्कुल किया है, समाज सेवी हर बिगड़े हुए काम के लिए बनाने के लिए पब्लिक का भला किया है, पब्लिक के काम में आया हूँ मैं, किसी की बात बिगड़ जाती उसके बिगड़े में खड़ा हुआ हूँ उनकी सेवा के लिए और आगे भी खड़ा हूँगा और जनता मेरे को विजयश्री दिलाएगी, जनता की पूरी 5 साल सेवा करूँगा और अगली 5 साल भी और मुझे जनता सेवा देगी, ऐसा काम करूँगा मैं। अगर आप जीतेगा तो क्या कर दिखाओगे बाट के अंदर? जनता को वो खुश करूँगा कि जनता को दोबारा कहने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे निपक्ष फिर से जनता चुनेगी। आपके राजगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या है क्या? राजगढ़ क्षेत्र की समस्या है पानी की लाइनें बिछना है, पानी के लिए परेशानी सबसे ज्यादा रोडों की और नालियों की, ये सबसे ज्यादा। अगर आप जीतेगा तो 5 साल के अंदर कर दिखाओगे कि नहीं? करके दिखाएंगे, जनता को खुश करेंगे, जनता खुद जब काम करेंगे तभी तो हमें जनता दोबारा चुनेगी। ये सब काम क्यों करते हो, क्या मिलता है आपको? खुशी मिलती है, जनता का काम हो, जनता हमें बढ़वाई करेगी, जनता हमारी, हम काम करेंगे तो। बीएसपी पार्टी से कब से काम कर रहे हैं? बीएसपी पार्टी में हम 30 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पुष्पा जी, पहली बार आप चुनाव में खड़ी होने जा रही हो, किस प्रकार महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस। भाई साहब, आपके वार्ड के अंदर पहली बार प्यारेलाल साखिया जी की पत्नी पुष्पा देवी जी वार्ड नंबर 22 के आपके खड़े होने जा रहे हैं, जो कि आप वार्डवासी हो, आपको कितना विश्वास है ये काम करके दिखाएंगे का नहीं? हमें इतना विश्वास है कि ये बिना लड़े पहले ही दूसरों के काम में आते रहे हैं और किसी कोई विवाद है या कोई पारिवारिक मतलब ये समस्या है तो उसमें खड़े होकर ये निपटाने के लिए चले जाते हैं, हर प्रकार से उन्होंने मदद करी है आदमी लोगों की और आगे भी विश्वास दिला रहे हैं कि भाई ये जीतेंगे तो वार्डों के लिए बहुत कुछ करने के लिए ये तैयार हैं और अपना विश्वास जागा रहेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ा श्रेय किसको मानते हैं? जनता को मानते हैं, जनता की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है और सबसे बड़ी हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता ही को सबसे बड़ा श्रेय देते हैं। अच्छा, आप सर अकेले तो काम करते नहीं, कौन साथ देता है आपका? जनता हमारा पूरा साथ देती है और जनता ही के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं?